दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अमेरिकन प्ले राइट टेनेसी विलियम्स का लिखा हुआ एक प्ले जिसका नाम है द ग्लास मेनेगरी। दोस्तों ये प्ले की खास बात यह है कि ये एक मेमोरी प्ले है। इसके अंदर टेनेसी विलियम्स ने अपनी खुद की लाइफ से कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स उठाए हैं। और दोस्तों ये प्ले जो है, मैं आपको बता दूँ, 1944 में फर्स्ट टाइम इसको प्रीमियर किया गया था। टेनेसी विलियम्स दोस्तों यूजीन ओ नाइल जो प्लेराइट थे, अमेरिकन प्लेराइट थे, उन्हीं के टाइम के एक प्लेराइट थे। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस वर्क है उनका, तो मैं जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इस वीडियो में इस प्ले को समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। इस प्ले का नरेटर है टॉम नाम का एक लड़का, टॉम विंगफील्ड। ये प्ले उसकी एक मेमोरी है दोस्तों, ये फर्स्ट मेमोरी प्ले माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसी के अपार्टमेंट में इस प्ले की शुरुआत होती है। सेंट लुइस नाम की जगह पर इसका अपार्टमेंट मौजूद है। 1930s चल रहा है दोस्तों। टॉम एक वेयर हाउस में काम करता है, गोदाम टाइप की जगह है, कोई गराज टाइप की जगह है, वहाँ पर काम करता है। इसकी माँ का नाम है अमेंडा और इसकी एक सिस्टर भी है लॉरा। तो लॉरा और टॉम के फादर ने इस फैमिली को छोड़ दिया है कुछ सालों पहले। जाते जाते बस वो यही कहते गए एक पोस्ट कार्ड के ज़रिए कि हेलो और गुड बाय। शायद अब उनको इस फैमिली से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो चले गए, सिर्फ जाते जाते यही वर्ड लिख के गए, हेलो और गुड बाय। अब टॉम की एंट्री होती है इस प्ले में अपने अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ में डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा है, तो अमांडा जो उसकी माँ है वो टॉम से बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले तो डिनर टेबल पर बैठने और खाने के मैनर्स सीखने चाहिए, और दूसरा ये इसको इसकी स्मोकिंग की आदत के लिए टोकती है कि अपनी ये स्मोकिंग की आदत छोड़ो। फिर ये अमांडा अपने बच्चों को, इन दोनों बच्चों को अपने बचपन की बातें बताती है कि किस तरह से इसके लिए लड़कों की लाइन लगी रहती थी। अब ये दोनों जने, ये दोनों भाई बहन, ये पुरानी सी घिसी पिटी कहानी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने सोचा कि सुनाने दो, सुनते हैं। लेकिन अभी इस अमांडा को अपनी बेटी लॉरा की चिंता है कि इसका क्या होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस लॉरा का एक पैर दूसरे पैर से छोटा है। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहती है, मतलब खुद को बहुत इन्फीरियर फील करती है। इसकी माँ अमांडा ने इसको बिजनेस कॉलेज में भेजा, लेकिन उस कॉलेज को कुछ ही हफ्तों रहकर इसने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि ये खुद को बहुत इन्फीरियर समझती है इसके पैर के दोष की वजह से। लॉरा बस अकेली रहती है पार्क में, जू वगैरह में घूमती है, और ये अपना ज़्यादातर टाइम अपने ग्लास मेनेगरी के साथ गुजारती है। कुछ कांच की मूर्तियां हैं, उनका एक कलेक्शन बना हुआ है जिसको कहा जाता है ग्लास मेनेगरी, तो उसके साथ में ये गुजारती है टाइम। इसकी माँ अमांडा ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि लॉरा की शादी के लिए वो लड़का देख रही है। वो उसे बोलती है कि बेटी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता दो। तो लॉरा बोलती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो एक जिम नाम के लड़के पर उसका क्रश था, लेकिन वो शायद किसी और लड़की को पसंद करता था। अब दोस्तों मैं आपको टॉम के बारे में बताता हूँ। टॉम जो है ये ना तो अपनी जॉब से खुश है और ना अपनी फैमिली लाइफ से। इसको करना कुछ और है, लेकिन ये जॉब में फंस गया है। अब जॉब के दौरान ये पोएट्री वगैरह लिखता रहता है, लिटरेचर में इसका इंटरेस्ट है, और रात को चुपके से ये घर के बाहर जाकर मूवीज़ वगैरह देखता है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग भी करता है। और इसी बात पर इसकी माँ अमांडा से इसकी लड़ाई होती है। ये बोलता है कि मेरी खुद की कोई प्राइवेसी है कि नहीं, आप हमेशा मेरी प्राइवेसी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हो। तो इस बात पर अमांडा इसको बोलती है कि तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, अब तुम्हें अपनी फैमिली की, अपनी बहन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो अब इन दोनों को ही, अमांडा और टॉम को, लॉरा की शादी की चिंता है। तो अमांडा अपने बेटे से बोलती है, टॉम से रिक्वेस्ट करती है कि तुम तो कम से कम अपने फादर की तरह हमें छोड़ मत देना, तुम अपनी बहन के लिए कोई ढंग का लड़का देखो अपने वेयर हाउस में जहाँ तुम काम करते हो। अब ये बात जब अमांडा ने टॉम से की, तो इस बात को करने के बाद कुछ महीने गुजरे इस बात को, तो टॉम अपने साथ काम करने वाले एक लड़के जिम को घर लाया। ये दोस्तों ये जो जिम है, ये बंदा टॉम के साथ काम करता है, और ये जिम टॉम को शेक्सपियर कहकर बुलाता है। दोस्तों ये लड़का जिम वही है जिस पर कभी लॉरा का क्रश था। तो ये टॉम को शेक्सपियर कहकर बुलाता है। जब ये इस घर में आता है तो लॉरा से इसकी सबसे पहले मुलाकात होती है, तो ये लॉरा को देखकर बोलता है,
कि शेक्सपियर की कोई सिस्टर भी है, मुझे ये नहीं पता था। जब ये जिम इस घर में आ रहा था तो इस अमेंडा को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि कोई लड़का उसकी बेटी को देखने आ रहा है, तो वो तैयारियां करना शुरू कर देती है। लौरा के लिए एक नई ड्रेस बनाती है, बड़ी भड़कीली सी ड्रेस बनाती है। तो लौरा ने जब जिम को देखा तो ये उसको पहचान गई कि ये उसके हाई स्कूल वाला प्यार है। उसे देखकर एक बार फिर से वो डर गई, मतलब एक बार के लिए वो डर गई। और आज बड़ी अलग सी ड्रेस पहन रखी थी इसने, भड़कीली सी, जो इसकी माँ ने इसको दी थी। तो ये डिनर टेबल पर लौरा इनके साथ में नहीं बैठी, बल्कि लिविंग रूम में अकेले बैठी थी, सोफ़ा पर लेटी हुई थी अकेले। तो डिनर के टाइम पर लाइट चली गई। अब लाइट क्यों चली गई? क्योंकि स्टॉर्म ने बिजली का बिल नहीं भरा था। ये पैसा पता है कहाँ लगा रहा है? कहीं और, किसी और काम में लगा रहा है। तो इस अमेंडा ने कैंडल्स जलाई और कैंडल लाइट में मतलब सीन बहुत खूबसूरत हो गया। तो उस वक्त ये जिम जो था ये लौरा के पास गया लिविंग रूम में। तो जब ये इसके पास आया लौरा के पास में, तो पहले तो इसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन जिम का नेचर जो था बड़ा जेंटल था, तो वो उससे रिलैक्स हो गई। लौरा जिम को याद दिलाती है कि हम दोनों हाई स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे और तुम मुझे ब्लू रोजेस कहकर बुलाते थे। तो जिम उससे बोलता है कि लौरा, तुम्हें अपने इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए। तो लौरा अब इस जिम को अपना ग्लास का कलेक्शन दिखाती है, ग्लास मैनेगरी दिखाती है, फेवरेट ग्लास का कलेक्शन दिखाती है और ग्लास यूनिकॉर्न देती है अपना। फिर ये लोग डांस भी करने लगते हैं। तो डांस करने के दौरान जिम से गलती से वो यूनिकॉर्न जो लौरा का था, यूनिकॉर्न जो इसे बहुत फेवरेट था, वो टूट जाता है। तो जिम लौरा से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली मेरी इंगेजमेंट पहले हो चुकी है। ये बात सुनकर लौरा का दिल जो था वो एक बार फिर से टूट जाता है, लेकिन उसने ये बात किसी की नज़र में आने नहीं दी, मतलब अपने अंदर अपने तक ही रखी। तो जिम को जाते जाते ग्लास का उसने वो टूटा हुआ यूनिकॉर्न दे दिया एक निशानी की तरह। अब जिम के जाने के बाद अमेंडा वहाँ पर आती है लिविंग रूम में और सारी बात पता चलती है कि उस लड़के की तो एंगेजमेंट हो चुकी थी। इस बात पर ये अमेंडा स्टॉर्म पर चिल्लाती है कि तुम्हारे सारे काम उल्टे हैं, तुम्हें मज़ा आता है हम लोगों के साथ गेम खेलने में। तो अब टॉम का भी गुस्सा टूट जाता है, यहाँ से चला जाता है वो। तो ये अमेंडा उसे गुस्से में बोलती है कि जाओ जाके चांद पर रहो। अब ये टॉम एंड में, इस प्ले की एंड में, अपनी बहन और अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसको जॉब से भी निकाल दिया गया है, लेकिन ये चाहे जितना भी दूर चला जाए लेकिन इसके दिमाग में अपनी फैमिली के इमोशंस जो हैं वो निकाल नहीं सकता ये। तो यही इस प्ले की मेन थीम है, इल्यूजन्स। इस प्ले की मेन थीम है इल्यूजन्स, मतलब भ्रम वगैरह। इंसान जो भ्रम पाल लेता है, इम्पॉसिबल ड्रीम्स, जिससे वो रियलिटी से बचने की कोशिश करता है। और इंसान जो सोचता है कि मैं अपने पास्ट से बच सकता हूँ, तो ये भी एक इल्यूजन ही है। तो आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।